السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا. محترم صدری اجلاس و معزز علماء کرام, دوستوں, بزرگوں, پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں, سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف, بڑائی و بزرگی, حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور بعدہ ان گنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور اللہ کے تمام نبیوں و رسولوں پر, خصوصاً اللہ کے آخری نبی و حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے رب کے احکامات کو, پیغامات کو, فرامین کو لوگوں تک جس طرح رب نے پہنچانے کو کہا اسی طرح آپ نے پہنچایا, اور اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کی خاطر آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں, کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کی زندگی کو نمونہ قرار دیا, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرات گرامی, بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے گاؤں کے نیچے ناواہر بوندلی ٹاڑ نئی مسجد کے سامنے یہ پروگرام رچایا گیا ہے, اور اس میں الحمدللہ نوجوان پیش پیش, اور جب نوجوان کسی بھی گاؤں یا بستی کے آگے بڑھتے ہیں تو اس بستی کے مستقبل روشن نظر آتا ہے, خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اور خصوصاً جب نوجوان دین کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں
तो उनके बढ़ते कदमों को देख करके उनके साथ साथ बतिया जो दीन से दूर होते हैं वो भी करीब आ जाते हैं। छोटे बच्चे चहचहाने लगते हैं, औरतें भी शामिल होने लगती हैं। लेकिन जिस कौम और जिस बस्ती के नौजवान मोबाइल लेकर के चौराहों पर, रास्तों पर, होटलों पर, चबूतरों पर, मैदान खलियान कहीं भी बैठ करके गेम खेलना शुरू कर देते हैं, मोबाइल पे फिल्में देखना शुरू कर देते हैं और दूसरे उसमें जो नाजायज चीजें हैं उसका देखना या इस्तेमाल करना, जब ये सब करने लगता है तो उस बस्ती के मुस्तकबिल बड़े प्रावधान और बड़े ही तारीख नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस बस्ती के नौजवान थोड़ा आगे बढ़े कि रात अभी जिस जगह हम लोग बैठे हैं, अगर ये नौजवान आगे ना बढ़े होते तो यहाँ अंधेरा छाया होता। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, देखिए और इसी को देखना चाहिए कि नौजवान चाहते हैं तो बहुत जल्द वो आगे बढ़ जाते हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। और जिस बस्ती और जिस समाज के नौजवान सुधर जाए उस कौम को कोई बिगाड़ नहीं सकता और न ही कोई गलत नजर उस पर डाल सकता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनुल कवीयु खैरुन मिनल मुमिनिल ज़ईफ, जो ताकतवर मोमिन है वो बेहतर है उन मोमिनों से जो कमजोर है। बाजुओं में ताकत नहीं, कमर में दर्द है, पांव में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो इसलिए बेहतर ज्यादा नहीं और उससे बेहतर ये इसलिए है क्योंकि वो देर तक कयाम कर नहीं सकते, सजदे में रह नहीं सकते, कुरान की तिलावत ज्यादा कर नहीं सकते, प्रोग्राम में ज्यादा नहीं रह सकते। अगर तबीयत खराब हो बूढ़े और बुजुर्ग होने की वजह से तो देर तक नहीं टिके। तो दीन के मामले में और इसी तरह इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम के कलमे को बुलंद करने के खातिर मैदान में आना पड़े, उस वक्त ये नौजवान मोमिन ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं। उस हिसाब से इस्लाम ने फरमाया लेकिन वो भी ये बेहतर है उनसे जो कमजोर हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव के नौजवान उठे हैं और ये प्रोग्राम रचाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ने इसी तरह दीन के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आगे को मजीद अल्लाह उन्हें पढ़ने की तौफीक अता फरमा और उनके इन खिदमात को अल्लाह कबूल फरमा। बड़ी खुशी होती है जब नौजवान दीन की तरफ आते, बड़ी खुशी होती है जब आजाद कोई नौजवान देता है, बड़ी खुशी होती है जब मस्जिद में आकर के नौजवान वजू करने लगते हैं, बड़ी खुशी होती है जब इमाम साहब के पीछे नौजवान बंदी किए हुए होते हैं, बड़ी खुशी होती है जब कुरान नौजवानों के हाथों में होता है, बड़ी खुशी होती है जब दीनी मजलिसों में इनकी भीड़ और सुनने के जज्बा और शौक पैदा होता है, ये देख करके खुशी होती है। लेकिन वही जब इनका रुख और इनके कदम गलत तरफ बढ़ने लगता है देख करके बड़ा घुटन महसूस होता है, बड़ी तकलीफ होती है। इनके मोबाइल हाथों में होते हैं, जेब में होते हैं, कान में ईयरफोन लगाए रहते हैं, कान चल रहा होता है, ये गेम खेलते हैं, ये बच्चे खेलते हैं, ना जाने क्या क्या खेलने लगते हैं, ये रोड और सड़कों पर बैठे रहते हैं, कहकहा लगाते हैं, मस्जिदों का जब रुख नहीं करते, इनके बाल दूसरे तरह कटे हुए नजर आते हैं, इनकी दाढ़ियां छिली हुई नजर आती है, जींस इनके फटी हुई नजर आती है, मोबाइल लेकर के जब ये घूमने लगते और डांस करने लगते हैं तो बड़ी बड़ी है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसन उन लोगों को जो दीनदार जो दीन से मोहब्बत करते हैं उन्हें खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह
इस गांव के नौजवान आगे बढ़े और ये काम किया और इसमें बुजुर्ग भी शरीक है। ऐसा नहीं कि जो उम्र दराज उसमें नहीं, ये भी शरीक है, उसमें औरतें भी शरीक है, छोटे बड़े सब शरीक है, सब काबिले मुबारकबाद है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके घरों में दीनी बेदारी फरमाए, दीन पर चलने वाला अल्लाह ताला आप सबको बनाए। आमीन। ये प्रोग्राम आपके गांव के नौजवानों ने कायम किया है और इसलिए यहाँ के नौजवानों ने अपने अपने हिसाब से उलमाए किराम को, मुकर्रीन को मौज़ू और उनवान दिया है, टॉपिक दिया है, उसी पर उन्हें गुफ्तगू करनी है। और आज की तकरीर में मेरा उनवान मौज़ू टॉपिक है औरतों का मकाम इस्लाम। औरत दीन इस्लाम में क्या मकाम रखता है, उसी सिलसिले में हमारी बात होगी। ये बात ऐसी खुसूसन माई और बहने जो आई हुई है वो थोड़ा ध्यान कि ये इस्लाम आने से पहले आपकी पोजीशन, आपका रुतबा, आपका मकाम समाज में दुनिया वालों की नजर में क्या 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 सूर्य आयत नंबर 58 और 69 अगर उठा करके देखे तो उसमें पता ये चलता है कि जैसे ही औरत लड़की बेटी किसी के घर में पैदा होती तो क्या होता, अल्लाह ने उसका नक्शा किया। इस्लाम आने से पहले जिस वक्त इस्लाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नबी नहीं बनाए गए थे उस वक्त की बात अल्लाह जिक्र कर रहा है कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होता और उसके घर की औरतें बाप जैसे बाहर हर बाहर घर में बच्चे की विलादत होनी है, दर्द शुरू हो गया, बच्चा पैदा होते वक्त जो औरत को तकलीफ होती है, दर्द जो उठता है उस वक्त उसको एक कमरे में ले जाते हैं, बतिया औरतें होती है और बच्चे की पैदाइश जब होती है तो औरतें बाहर जो मर्द होते हैं उन सबको खबर देते हैं कि बच्चे की विलादत है, तो लड़का या लड़की औरतें अंदर होती है, सबसे पहले औरतें देखते हैं। जैसे ही अल्लाह ताला कह रहा है जैसे ही उन्हें मर्दों को बाप को इस बात की खुशखबरी दी जाती है, खबर दी जाती है कि तुम्हारे घर में बच्ची की विलादत हुई है, बच्ची पैदा होना होना तो उसका चेहरा ये सुन करके माए और बहने सुने आपकी पोजीशन आपका रुतबा बेटे आप बन करके घर में आए पैदा होना ये जुर्म नहीं, लेकिन जैसे ही खबर दी गई बाप को तो तेरी बेटी पैदा हुई उसका चेहरा काला पड़ा है। गौर कीजिए किसका बाप का चेहरा काला पड़ जाता है कि बेटी पैदा हो। जैसे ही ये खबर सुनता उस जमाने की बात है तो वो छुप छुपा करके रहता है कि अगर बाहर निकलेंगे तो लोग ये बोलेंगे अरे इसके घर में बेटी पैदा हुई, चिढ़ाएंगे, यानी बेटी का बाप होना गवारा नहीं करता। और वो आदमी जिसके घर में बेटी होती है अल्लाह कह रहा है
वो आदमी सोचता इस बेटी को रख करके बार बार लोगों के मुंह से ये सुने कि ये बेटी का बाप है, बेटी का बाप है, ये बढ़ेगी, इसकी मैं दामाद बनूंगा, ये मेरा ससुर बनेगा, ये बेटी की परवरिश कर, इसी को मैं सुनता हुआ जिंदगी गुजारू या बच्चे को मैं गड्ढा खोद के दफन करूं। ये अल्लाह कह रहा है। और इस्लाम आने से पहले कितने ऐसे सहाबा थे जिन्होंने इस्लाम आने के बाद प्यारे को खबर दी कि अल्लाह का रसूल मेरे घर में बच्ची की विलादत हुई थी, लेकिन उस बच्ची को मैंने मैदान में बाहर ले जाकर के गड्ढा खोद करके जिंदा दफन कर। ये कौन बताए? सहाबी रसूल। इस्लाम लाने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बैठे तो वहां दिया बहुत सारे आए। सहाबी रसूल ने जैसे कहा, अल्लाह के रसूल हमने कई बच्चियों को जिंदा दफन किया, तो इससे क्या पता चल रहा और वाकया है? इसी सिलसिले में वाकया है, एक बच्चे को लेकर के गड्ढा खोद करके जिंदा दफन किया है। और जैसे ही सहाबी रसूल ने बताया, अल्लाह के रसूल मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन किया है, वाकया जैसे बताया आंखों में आंसू आ गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और आपने ऐलान किया कि आओ मेरे सहाबा और दुनिया वालों सुनो, जिसके घर में बच्चे की विलादत हो बच्चे को जिंदा दफन न करना, अगर बच्चे को अपने घर में रखना ना हो मत रखना, बच्चे की विलादत हो तो मेरे घर में लेकर के आना, मैं उसका बाप बनूंगा, मैं उसकी शादी कराऊंगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा, जिंदगी मैं उसकी संभालूंगा, ले आना मेरे घर में, लेकिन अपने हाथ से जिंदा दफन मत करना। और इस्लाम जब आया तो एक बात अल्लाह ताला ने बताई सूरह तकबीर आयत नंबर 8-9, वइदल मौउदतु सुइलत बि अय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। सहाबे किराम दहल गए। उससे पहले जिन लोगों ने दफन किया था जिंदा बच्चियों को उनके बारे में और उसके बाद वार्निंग दे दी कि जिंदा दफन की हुई बच्ची से कयामत के दिन पूछा जाएगा कि बच्ची तुझे तेरे बाप ने जिंदा क्यों दफन किया। जब जिंदा कोई औरत या लड़की दफन कर दिया तो अल्लाह पूछेगा तो वो बच्ची बोलेगी ना, ना मेरे बाप ने दफन किया था जिंदा, तो बाप को बुलाएगा ये कयामत और सवाल जब करेगा तो आदमी फंस जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इन आयतों को नाज़िल करके ऐलान कर दिया क्या कि किसी भी लड़की किसी भी औरत जात को कोई न सताए, कोई जिंदा दफन मना करा। इसीलिए इस्लाम आने के बाद औरतों का जो मकाम कुरान में अहादीस रसूल में मौजूद है वो सुनने और पढ़ने के लायक है। सबसे पहली बात मैं समझे औरत जात जो होती है वो तीन तरह की। जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी जिंदगी में तीन मरहले आते हैं। एक बचपना, बचपना जैसे बच्ची पैदा हुई तो किसी की बेटी होगी, बेटी होगी, बढ़ जाएगी जवान होने के बाद शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो अब वो बेटी थी अब वो किसी की बीवी बन गई, वो जवानी, और जवानी ढलने लगे अब बूढ़ी होने लगे तो उस वक्त ये तीसरे नंबर पे माँ बन, क्या बनती है? माँ। माँ ये तीन मरहले औरतों के तीन मरहले हैं। तीनों के बारे में आज मैं बताऊंगा मुख्तसर तौर पर कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मकाम औरतों को रखा है। जब बेटी हो, देखिए औरतों से यही कहना कि इससे पहले लोग आपको जिंदा दफन कर दे, अगर कोई औरत
माहवारी से हेल्थ की हालत में महीने में जो खून आता उन दिनों में उसके खाना उसके घर बर्तन अलग कर देता। और इस्लाम ने जो हिस्सा दिया इस्लाम से पहले बाप की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। और खतरनाक जात समझी जाती है। आइए इस सिलसिले में एक बात देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जब वो बेटी होती है तो उस वक्त क्या मकाम है, माँ बनती है उस बीवी बनती है उस वक्त क्या और माँ बनती है उस वक्त क्या। मुख्तसर तौर पर जब बेटी होती है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि जिंदा दफन नहीं करेगी और जिंदा दफन नहीं करोगे उसकी परवरिश तुम करोगे तो क्या मकाम क्या फजीला कितना सवाब पाओगे। औरत रात जिसको लोग हकीर समझते थे इस्लाम आने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम कितना ऊपर बताया कि देखे कि औरत जात अगर है बेटी तो उसको हकीर नहीं समझता है उसकी परवरिश करता है देखभाल करता है तो देखभाल करने वाला कितना बड़ा मकाम पाता है। हदीस देखिए इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर किताबुल बिर वसीलत वल आदाब में जिक्र किया। हदीस के रावी अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हदीस नंबर 2631 है। बताते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा मन आल जारियतैन हत्ता तल्ला जा यौमल कियामत अना व हुवा व जमा कसर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों बेटियों को मत सताना जिंदा दफन मत करना। जो बेटी की परवरिश करेगा जिसके घर में दो बच्ची हो उसकी परवरिश किया जवान हो गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी वो बाप जिसने परवरिश की वो और मैं कयामत के दिन दोनों ऐसे सोचे कयामत के बारे में अल्लाह ने क्या कहा यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी लिकुल इमरिन मिनहुम यौम इदिन शअ्न युग्नी। कयामत की घड़ी इतने खतरनाक घड़ी होगी भाई भाई से भागना होगा माँ बेटी से जुदा होगी बाप बेटे से भाग रहे होंगे एक दूसरे से दूरियां होंगी कोई साथ ना होगा। आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों बेटे की परवरिश करना उसे जिंदा दफन न करना उसका मकाम इतना ऊपर मैं कर रहा हूँ कि दो बच्चों की परवरिश तुम जमीन पे करोगे उसे सताओगे नहीं खिलाओगे पढ़ाओगे तरबियत करोगे जवान कर दोगे शादी भी हो जाएगी। सुन लो कयामत के दिन भाई भाई से जब भाग रहा होगा बेटी माँ से भाग रही होगी शोहर बीवी से भाग रहा होगा कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार का पुरसा दे आला होगा अल हमीम उल हमीमा कोई दोस्त किसी दोस्त को भी ना पूछेगा कोई पुरसा दे आला होगा। अजीब कैफियत अजीब घड़ी होगी कोई एक साथ ना होगा उस वक्त फातिमा के बाप उस वक्त तेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ होगा जिसने बच्ची की परवरिश की है। यानी बच्ची की परवरिश करो तुम्हारे घर वाले छोड़ देंगे तेरी माँ भागेगी माँ भागेगा बहनें भागेंगी भाई लोग भागेंगे रिश्तेदार भागेंगे तुम्हारे दोस्त अहबाब कोई ना रहेगा उस वक्त तेरा साथ अगर होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बेटे की परवरिश करो तो क्या हो मेरे साथ कयामत के दिन रहो। ये मुस्लिम शरीफ के रिवायत तो इससे पता यह चल रहा है इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया है का मकाम अता किया है औरतों की जमात तुम ऐसी जात हो इस्लाम में इससे पहले जिंदा दफन कर देते थे लेकिन इस्लाम आने के बाद अब कोई जिंदा दफन नहीं करेगा और जो जिंदा दफन करेगा अल्लाह उसे कयामत के दिन पूछेगा।
और अगर परवरिश औरत की परवरिश बेटे की परवरिश छोटी बहन की परवरिश करेगा तो कयामत के दिन तुम्हारी परवरिश की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ये दूसरी हदीस ये यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तिर्मिजी की रिवायत है किताबुल बिर्र व सला में इमाम तिर्मिजी ने जिक्र किया हदीस नंबर 1914 है। हदीस के रावी अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला من آل جار جتے دخل تو آنا وہ ہوا کہا تے معاشر کہ جس نے دو لڑکیوں بہن ہو لڑکی ہو بیٹی ہو اس کی پرورش کی تو وہ آدمی اس کی پرورش کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا کہا جنت اور کیسے क्या जन्नत में वो लड़की के परवरिश करने वाला लड़की को पालने पोसने वाला आदमी जन्नत में कब जाएगा जब मैं जाऊंगा। क्या कहा कि मेरी उम्मत के लोगों को अपनी बच्चियों की परवरिश करो उसका मकाम इतना ऊपर इस्लाम में रखा है दो बच्चों की तू परवरिश करेगा वो बच्ची बड़ी हो जाएगी तुम्हारी मौत होगी जन्नत में जब जाने लगोगे तेरे साथ फातिमा का बाप होगा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तू जन्नत में जाएगा। बच्चियों की परवरिश करने की वजह से एक इंसान एक बाप अल्लाह के रसूल के साथ जन्नत में जाएगा। यार के मकाम इस्लाम में दिया तीसरी हदीस अगर ज़रदा ना खास्ता कोई आदमी जन्नत में नहीं जा रहा है जहन्नम की तरफ चला जा रहा है गुनाह की वजह से फैसला हो जाएगा इसको जहन्नम में ले जाओ जहन्नम की तरफ अगर ले जाया जा रहा है तो ये बच्ची उस बाप को जहन्नम में जाने से रोके गौर कीजिए जहन्नम में जाने से ये बच्ची रोके जहन्नम में बाप को नहीं आने ये बच्ची इतने मकाम रखती है कि अल्लाह के हुक्म से वो बच्ची जहन्नम के दरवाजे पे खड़ी होकर के कहेगी अल्लाह मेरे बाप को जहन्नम में नहीं ले जाना मैं इसी बच्ची क्यों। अब हदीस देख किस तरह जब कोई परवरिश करता है अपनी बच्ची के उसमें तकलीफ होती है कमाने में गई घर छोड़ दिया शहर गया कहीं केरल के बंबई कहीं पूना कहीं फला जगह कोई लकड़ी चीरने जहां भी एक आदमी तकलीफ में रहता है कोई रिक्शा चलाता है कोई कुछ करता है कोई ईंट मारता है ईंट बनाता है मिट्टी काटता है ये सारी चीजें करता है पसीने से कमा करके ला करके बच्ची की परवरिश कर और कभी कभार बच्ची की शादी होती है तो तलाक क्या क्या तलाक बच्ची घर पे आ जाए बाप के सर पे टेंशन एक बोझ लेकिन बाप बर्दाश्त कर बाप बर्दाश्त तो ऐसे वक्त में जो तकलीफ उसे होती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर किताब ज़कात में जिक्र किया है और बाप कहे के बाब इत्तकुन नार वलो बिशक के तब जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही खाओ। हदीस नंबर 1418 बुखारी किताब ज़कात हदीस के रावीया भाई आयशा से पता रजी अल्लाह तआला अन्हा और ये हदीस मुस्लिम में भी मौजूद है हदीस नंबर 2630 एक है दो एक खजूर है एक तीन खजूर दीवान दिया है किसी बच्ची के लेकर के बच्ची की परवरिश करने की फजीलत में इसी इस वाक्य को मैं जिक्र कर रहा हूं। हजरत आयशा कहती है एक मांगने वाले आ गया क्या एक मांगने वाले औरत आई दरवाजे पर बैठ गई उसके साथ दो बच्चियां थी देखिए बच्ची की परवरिश कर रही औरत मांग करके खिला रही कहे औरत मांगने वाली आई उसके साथ दो बच्चियां थी मांगने के लिए दरवाजे पे बैठ गई बच्चियां भी बैठ गई था मैंने घर में खाने के सामान तलाश किया
मेरे पास सिर्फ एक ही हुजूर थी, यानी बहुत तलाश किया तो एक हुजूर पाई, और एक हुजूर को जब उस औरत को दिया, उसने दो टुकड़ा किया, एक इस बच्ची को दिया, एक इस बच्ची को दिया, कुछ नहीं खाया। ये है बुखारी के रिवायत। मुस्लिम की रिवायत में है कि तीन हुजूर पाए, तीनों खजूरे उस औरत को दे दी। मांगने वाली औरत आई थी, दरवाजे पर बैठी थी, माई आयशा ने तीन खजूरे दे दी और वहीं खड़ी रही। माई आयशा बयान करके, तीन खजूरे देने के बाद हमने देखा, एक खजूर इस बच्ची को दे दिया, दूसरी खजूर इस बच्ची को दे दिया, एक एक खजूरे बच्चियों को दे दिया, एक खजूर जो बच गई, पर अब उस औरत ने उस खजूर को उठाया अपने मुंह की तरफ ताकि वो हम खाएं, क्योंकि तीन आदमी है, एक माँ है, दो बच्चे, खजूर तीन है, सबके हिस्से में एक एक आ गया। उन बच्चों को एक एक खजूर दे करके, माँ भी भूखी थी, माँ भी खाना चाहती थी, माँ ने जैसे खजूर को ऊपर उठाया, उन बच्चियों ने अपने अपने खजूर मुंह में डाल लिया और उठा करके कहा, मांगा, ए अम्मी वो खजूर भी हमें दे दो। हजरत आयशा कहती है, मैं देख रही थी, उसको नीचे किया, दो हिस्सों में उसको तकसीम किया, आधा हिस्सा इस बच्ची को दे दिया, आधा इस बच्ची को दे दिया। औरत वो माँ थी, भूखी रही, कुछ न खाई, डेढ़ डेढ़ खजूरे बच्चियों को दे दी, माँ भूखी रहते हुए भी कुछ न खाई। हदीस के अल्फाज है, माई आयशा ने कहा, उसका ये काम देख करके मैंने बड़ा ताज्जुब किया कि हाय माँ कैसी होती है, खुद भूखी रह गई, तीन खजूर तो थी, एक एक खजूर तो बच्चियों को दे दिया, लेकिन जो एक खजूर खाना चाह रही थी वो भी बच्चियों ने जब मांगा तो उसको भी दो हिस्सों में करके बच्चियों को दे दिया। माँ भूखी रही, कुछ न खाई, बेचारी और करके चली गई। हजरत आयशा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, घर में दाखिल हुए, भाई आयशा ने अपने शौहर ताजदार से फरमाया, प्यारे आका से फरमाया, ओ मेरे आका, मैंने एक अजीब गरीब चीज देखी है, मांगने वाली औरत आई, तो बच्चियों के साथ आई थी, तीनों भूखी थी, तीन खजूरें थी, लेकिन माँ ने ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे दे दिया, खुद न खाई, भूखी चली गई। सुने तो क्या फरमाया, इन्नल्लाह कद वजब, कद वजब कि उसके ऊपर जन्नत वाजिब, या तो आपने ये फरमाया, अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया। और बुखारी के अल्फाज में क्या, मनि मनि बुलिया मिन हादिहि बनाति बिशैइन गुन्ना लहू सितरम मिन नार। जो भी आदमी बाप हो या माँ हो, बेटी की वजह से अगर आजमाइश में डाला गया, तकलीफ उन्हें पहुंची, शादी का वक्त आ गया, लोगों ने जहेज के मांग कर दी जो मांग नहीं होनी चाहिए, बाप अच्छा कर दिए, वे घूम रहा फिर रहा है, दौड़ रहा है, इधर चंदा उधर चंदा, ऐसे वैसे बाप की नींद हराम हो गई, माँ रात में सोती नहीं, रात रात पर दोनों जागे रहते, बेटी जवान हो गई, इसकी शादी कैसे करना है, कैसे शादी होगी, बाप परेशान है, गरीब आदमी है, माँ डेढ़ लाख एक लाख कर दिया है? मनि तुलिया मिन हादिहि बनाति बिशैइन गुन्ना लहू सितरम मिन नार। बच्चों की वजह से अगर माँ बाप परेशान है, आजमाइश में डाले गए, तो उसकी वजह से बच्चियां जहन्नम में जाने से पर्दा बने, और शादी के वक्त आते हैं, ये भी हम लोग सब मुसलमान हैं, हमारे घर कोई आता है उसको दे करके भेजते, लेकिन एक जगह बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या,
कि जब शादी की बात आती है, चाहे गरीब घर कर रहे हो चाहे किसी के घर, जहेज की मांग एक लाख डेढ़ लाख मांग मांग कर देते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन नहीं है, मांग कर दिए, बाप परेशान हाल है, कहां से पैसा आए। अब वो दौड़ करके जाता है इमाम साहब के पास, किसी मदरसे के मौलवी साहब के पास, जमीयत के रकन पेड़ में खत लिखवाता, एक दरखास्त लिखवाता, सुन रहे हैं। और वो दरखास्त कहां पड़ी जा रही है, जुमा के खुतबे के बाद, नमाज के बाद, ईदगाह में ईद और कुर्बानी की नमाज पढ़ने जाते हैं। क्या क्या सुने, सब सुने हैं। दरखास्त में वो लिखवाता है क्या कि बरादराने सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, उम्मीद है कि आप बखैर हैं, मैं फला आदमी फला गांव के कोष्टिया थानाया जिला यहां, मैं गरीब आदमी, क्या क्या मैं गरीब आदमी हूं, मेरी बेटी जवान हो गई है, शादी के लिए रिश्ता भी आ चुका है, लेकिन शादी में जहेज की मांग डेढ़ लाख कर दिए, वो इंतजाम मैं कर नहीं सकता, गरीब आदमी हूं, जमीन और जायदाद भी नहीं है कि उसे बेचो, गरीब आदमी कमा करके ला रहा था, बच्ची की परवरिश कर रहा था, बच्ची को परवरिश उसकी परवरिश किया, खिलाया पिलाया, दुख तकलीफ नहीं होने दिया, जिस तरह उसको जवान किया, परवरिश करके जवानी के दहलेज पे ले आया, आज उसे अपने घर से रुखसत करना है, आज उसको शहर के यहाँ भेजना है, लेकिन मेरे भाइयों इतनी मांग जहेज की आई है, मैं रकम इतने दे नहीं सकता, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, इसलिए कि मेरी मदद कीजिए ताकि मेरी बेटी की शादी हो सके। कहते हैं किसने मजदूर क्या हो गया, जब तक वो आदमी मजदूरी करता था कभी दरखास्त दिया था खाने के लिए नहीं, लेकिन मांग हमने किया था, बाहर से कोई नहीं आता, मांग यह मुसलमान भी करता है, गरीब आदमी से उसको मजबूर होकर कागज में अपनी बेबसी लाचारी और गरीबों को दर्शाता है, मस्जिद के मिंबर से या मस्जिद के मेहराब से ऐलान किया जाता है, ईद के दिन खुशी के दिन है, लेकिन आदमी मजबूर है, जो मजबूर किसने मजबूर किया है, लड़की के बाप ने किया है, समझे ने मजबूर किया, डेढ़ लाख मांग कर दी, एक लाख मांग कर दी, कहां से लाएगा, खुशी के दिन में, खुशी के दिन में मदद मांग रहा, भीख मांग रहा है, कापड़ा मदद कीजिए, अरे बेटे जिसे फूल की तरह पाल करके परवरिश करके जवान हो गई, तेरे हवाले करने जा रहा है, और तू कितना बड़ा जालिम है, तू मुसलमान मानता है कि हमें कैसा मुसलमान है, गरीब आदमी जो किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, ईद में कुर्बानी में ऐलान किया जाता, एक अपने भाई को कितना जलील करेगा, कितना जलील करेगा, एक वाक्य ऐसे आता हो जिसको अपने बचपन में मैंने देखा है कि कैसे बेटी के बाप परेशान होता है, 1999 का वाक्य है, उस वक्त मैं तीसरी जमात में पढ़ रहा था जामिया सिराजुल मौडियार वाला, और वहां उस मदरसे के कुछ बच्चों को गांव वाले अपने घर खिलाया करते थे, उसको जागीर पर खुशी से कि छोटे छोटे बच्चे हम लोग खिलाना चाहते हैं, तो मदरसे से लगभग 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर वो घर, छुट्टी हुई 11:30 बजे वहां से निकला खाने के लिए, वो लोग 11:30, 12:30 बजे खाना खा लेते, दो बार निकले, मई जून का महीना बड़ी गर्मी थी, धीरे धीरे चला जा रहा था, पढ़ने वाले था लेकिन बाकी बात रास्ता देखा के लिए जा रहा था, देखा बात में चला रहा है, साइकिल तो मौजूद
लेकिन साइकिल के सवार नहीं, साइकिल के सवार नहीं, मैं मेरे मुझे होगा। रास्ता पूछा के वो बस्ती किधर से जाए, और वो आदमी देखिए बुजुर्ग आदमी बाल सर के सफेद हो गए, लेकिन बेटी जवान एक पढ़ने वाले इल्म से जो तीसरी जमात में पढ़ता है, अरे पढ़ने वाले बच्चे को तो लोग पैसा दिया करते हैं, वो आदमी बूढ़ा आदमी कह लिया जाए 50 साल से कम न होगा, 50 साल की उम्र पार कर चुका है वो आदमी एक तालिब इल्म के सामने पढ़ने वाले लड़के के सामने कहने लगा, मेरे सामने उसने कहा है क्या कहा, बाबू मेरे घर में एक बच्ची जवान हो गई है, शादी लगाई है, इतना खर्च है कि घर में पैसे नहीं है, सुबह मिला नाश्ता किए हुए निकला, क्या क्या 11:30 बज रहे, मई जून का महीना है, तकरीर करना बड़ा आसान है, सुन्नतों से भी आसान है, लेकिन उस आदमी से पूछिए, वो आदमी यही कहते हुए आंखों में आंसू ले आए और कहा कि रातों को सोते नहीं है बाबू, रात को चलता करके जाते हैं, गिना करते कितने पैसे आए, अभी कितना बाकी है, सुबह निकला हूँ नाश्ता अभी तक नहीं आए, वो धूप है गर्मी है साइकिल पर भी सवार नहीं, पूछना चाहता कौम के लोगों उस गरीब आदमी की नींद को हराम किसने किया है, माँ से अपनी बीवी से रात में आकर के मिलता है, बीवी भी परेशान है, सुबह निकला हुआ आदमी शाम को आता है, बीवी कुछ खाना पेश करती होगी, वो स्वर करता होगा बीवी भूख नहीं लगी है, भूख कहे नहीं लगी, लेकिन क्या टेंशन, लाख 1.5 लाख इंतजाम कैसे होगा, कहा मनिपुलिया मिला दिल बना दी विषय कुन्ना लहू सितरम मेरमार, बच्ची की शादी की वजह से बाप अगर तकलीफ में रहा, बाप आजमाइश में डाला गया, मुसीबत आई उसकी वजह से मांगना पड़ा, उसकी वजह से भिखारी बनना पड़ा, और ये भिखारी बनाया तो हम और आपने बनाया, अगर हम कहते हैं कुछ नहीं लेता है बच्ची को मेरे हवाले कीजिए, वो कितना खुश होता, वो कितनी दुआएं देता, वो गरीब आदमी रात में उठ करके, वो बूढ़ा आदमी उसका बाप भी और उसकी माँ भी वो दुआएं देते, या अल्लाह मेरे सदी के यहाँ कोई परेशानी ना आए, अल्लाह वो घराना हमेशा हंसता खेलता रहे, अल्लाह उस घराने में कोई मुसीबत ना आए, मेरे मौला मेरी बच्ची को उसने अपनी बेटी बुला करके यहाँ से वो ले गया है, अल्लाह दुआ हम कर रहे गरीब दुआ दे, लेकिन हम लोग क्या करते, घर बेचवा दिया, जमीन बेचवा दिया, भिखारी बना दिया, गौर किया गले मांगने में नहीं पड़ा, तकरीर जितनी हो रही है उतने ही आप जिद में है, है? नूह अलैहि सलाम ने काद फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, इल्ला मैं इस कौम को बुला रहा हूँ इधर, तकरीर करता हूँ समझाता हूँ, कितना इधर बुलाता हूँ उतना ही है, है? ये किसने कहा, हजरत नूह अलैहि सलाम ने कहा, अल्लाह ने कहा, इल्ला ये मेरी कौम जब तकरीर करता हूँ समझाता हूँ कान में ये कपड़े पहने नहीं सुन, तो तकरीर जितनी हो रही है उतने जहेज तिलक वाले मामला भी बढ़ता रहता है, तबाही और बर्बादी, बारिश नहीं जिस खेत में अभी जहाँ स्टेज लगा हुआ है, अरे यहाँ आपके तो वो धान के पौधे लहराते हुए नजर आने चाहिए, ये खुश्क जमीन बता रही है कि तुम्हारे गुनाह सरों से ऊपर उठ गए, जिसकी वजह से आसमान की बारिश नहीं आई, इस जगह प्रोग्राम होता नहीं, हरियाली वाली चोरी जमीन में नहीं सूखा पड़ा है, गौर किया, गरीबों को हमने रुलाया, गरीबों को हमने सताया, जुल्म किया, नामतौल में कमी की, कभी रिश्वत लिया, कभी बेईमानी किया, कभी इसको मारा,
पेश किया, सारे गुनाह शराब हम करते हैं, शराब हम पीते हैं, ना बाल में कमी हम करते हैं, रकम और दौलत दे देता है ज़कात अदा करा, यही सब वजूहात है, ये असबाब है जिसकी वजह से बारिश होती है। एक ही तरीका है रब की बारगाह में गुनाहों के इकरार का इकरार करा, वरना ये जमीन सूखी रही है तो क्या गरीबों को, कोई फरमाया बच्ची को जैसे कोई आजमाइश में डाला गया तो वो आदमी वो बच्ची उसके लिए जहन्नम में जाने से पर्दा कर, जहन्नम में उस बात को जाने नहीं दी, तो क्या बच्ची की कोई परवरिश करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कयामत तक लौट रहे, बच्ची की कोई परवरिश करता है पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जा रहे, बच्ची की कोई परवरिश करता है तो ये बच्ची जहन्नम में जाने से रोक रहे, ये और के मतलब। अब दूसरे नंबर का है, हाँ इसमें काफी है लेकिन तो इख्तसार के साथ, अब ये बच्ची जब औरत बन जाती है, बीवी बन जाती है, तो इस्लाम में क्या मकाम है, कि हदीस काफी है, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर किताब रज़ा में जिक्र किया, और हदीस नंबर 1469 हदीस के नाम इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला जितनी चीजें ये दुनिया एक सामान है, फायदा उठाने की चीज, ये माइक आवाज पहुंचा रहा है, स्टेज है बैठे, मोबाइल है बात कर रहे, देख रहे, कुर्सी है बैठे, जमीन है पैदावार से निकाल रहे, घर है उसमें रह रहे, गाड़ी उसमें बैठ के जा रहे, लाइट है उससे रोशनी हासिल कर रहे, दुनिया में जितनी चीजें सारी चीजें को अगर देखा जाए तो यार फायदा उठाने की चीजें थे, लेकिन फरमाया उन तमाम चीजों में सबसे कीमती चीज सोने चांदी से, हीरे जवाहरात से, उससे कीमती कोई चीज ही नहीं, कौन चीज है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-मर्अतुस सालिहा, सोने चांदी से ज्यादा कीमती, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती नेक बीवी है, इस हदीस में दूसरा मरहला जो औरत क्या रह गए, औरत बन गई, औरत अगर नेक हो उस तमाम चीजों से सबसे ज्यादा कीमती औरत, इसीलिए देखिए औरतें कभी कभार बोलते हैं ना, औरतें अपने आप को नहीं समझते, बस यूं ही दौड़ रही है, खेल रही है, चेहरा इसके खुला हुआ हो, बेपरदगी के आलम में हो, अपने मकाम अपनी इज्जत ये समझती नहीं है, जो चीज कीमती होती है ये सोना हार, एक लंबे के लिए अगर किसी औरत के हार सोने के हैं तो क्या वो बाहर निकलती है तो सोने के हार ऐसे खोल करके दिखाते हुए जाती है, नहीं उसको छुपा छुपा क्यों, कि रास्ते में किसी चोर की नजर ना पड़े और ये कीमती चीज है चोरा रहा है, देखिए कीमती चीज जो होती है सोने चांदी को आदमी कहां रखता है, बा चप्पल देख लीजिए लोहा लकड़ी और दूसरी चीजें बाहर आदमी रख देता है, लेकिन सोना चांदी कहां रखता है, तजोरी में, अलमारी बक्से में, एक डिबिए और हीरा जो चमकता है उसमें मामूली खराश नहीं आना चाहिए, अगर हीरा जो चमकता है उसमें ऐसे खराश आ जाए तो उसकी वो चमक बाकी नहीं रहती, तो उस हीरे में खराश तो उसको शीशे में बंद कर देते, क्यों क्यों ये कीमती चीज है खराश आएगी चमक चमक, तो उन तमाम कीमती चीजों से और ज्यादा कीमती है तो इसको कैसे रहना चाहिए, इसीलिए इस्लाम ने क्या कहा औरतें पर्दे वकरना पी बुयूती कुन्ना वला तबर्रज ना तबर्रुज जाहिलियत औला, हे औरतों की जमात तुम्हें बाहर नहीं भागना है, तुम कीमती चीज हो, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो, और अगर कभी भी बाहर निकलना है तो जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके चेहरे में पॉलिश और लिपाई करके ऐसे खुले तौर पर ना निकला करो, तुम्हें निकलना है तो अपने ऊपर पर्दा बुरका डाल आया करो, उसके साथ निकलो, क्यों क्योंकि कीमती चीज हो, कहीं चोर उचक ले न जाए, जिनाकार आदमी नजरे के इतबारी नजरों से न
ना मिलाए, कहीं तेरे खूबसूरत चेहरे को ना देखे। दुनिया की सबसे कीमती चीज हो इसलिए तुझे ढककर के अपने आप को रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सबसे कीमती चीज नेक औरत। अगर नेक नहीं है तो जमीन के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कितना यह खतरनाक है, वो औरत है। औरत के फितने से बचो, अगर औरत नेक नहीं है तो अल्लाह की कसम जहन्नम घर को बना देना, और अगर नेक है तो जन्नत बना देना। उसके बाद आखिरी मरहला, क्योंकि मेरा टाइम भी काल है, बन बन 25 बजे ना, एक घंटा हमारा टाइम है, अभी 10 मिनट बाकी है। जब मां बनती है, बच्ची थी तो मकान, औरत बने तो मकान क्या, ताकि सबसे कीमती चीज औरत के बारे में कहा, अपनी बीवी को कोई खाना गोश्त मिठाई पेड़ा जो भी कहा जाए, अपनी बीवी को कोई मोहब्बत से खिलाता है ना, तो उसमें भी सवाब बीवी से जो मिलता है ना, रात में जो उससे मिलता है उसमें भी सवाब है। गौर कीजिए, ये औरत साथ है। इस्लाम ने बताया कि अगर मेहमान के आलम में भी है तो सिर्फ उससे हम बिस्तर में भी सकते, बाकी सारे काम मिलना जुलना खाना पीना सब कुछ आलम में करने। इस्लाम से पहले यहूदी उसी तरह करते हैं, लेकिन इस्लाम में डर जाते हैं। और जब ये और बूढ़ी हो जाए, बूढ़ी होने के बाद क्या, जब तक जवान है तब तक खूबसूरत है, जब झुर्रियां पड़ जाती है, दांत टूट गए, दांत सारे टूट गए, बाल सफेद हो गए, ये जिस्म के ये चमड़े अब उसमें झुर्रियां आ गया, बूढ़ी हो गई। अब बूढ़ी को कोई देख के पसंद करेगा, उधर से आ जाएगी बूढ़ी आती यहां कहना के अंदर जाओ, मुंह में दांत नहीं, चलने की सकत नहीं, पांव में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, खा नहीं सकती, कभी गर्म पानी पीना है, गर्म पानी से नहाना है, कपड़े अपने धुल नहीं सकती, अब तो उसे दुनिया वाले अब से दूर कर देंगे, कोई फायदा नहीं। ये औरत जब तक की खूबसूरत तब तक इसे लज्जत हासिल किया, खाइश पूरी की, अब किसी लायक नहीं, हो जाओ तेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाए, आंख में बिराई ना हो, आंख से अंधी भी हो जाओ, मुंह में ना हो, चलने की सकत ना हो, पैखाना पेशाब भी तुम अगर चार पाई पे करने लगो तो उस वक्त भी तेरा मकान बड़ा ऊंचा है, उस वक्त भी तुझे कोई छोड़ नहीं सकता। किस वक्त यहूदियों में जाइए, दूसरे और उन कंट्रियों में जाए, बड़े बड़े बिल्डिंगों में जब बूढ़े हो जाते तो उसको एक होल सेंटर है, ऐसे हॉस्पिटल है, जब बूढ़ा बूढ़ी सबको वहीं कर देते, वहां जो नर्स औरतें होती है वहां उसको देखभाल बेटे। इस्लाम ने क्या बताया, बूढ़ी हो जाए तो उसको बूढ़ी मत समझो, खड़ी होती है पांव में वो सकत नहीं, ताकत नहीं खड़ी हो सके, बूढ़ी हो गई लेकिन मकान क्या है। एक हदीस देखी थी, इस हदीस को इमाम नसई ने अपने सुनन के अंदर किताब जिहाद में जिक्र किया, हदीस नंबर 3104 है। हदीस के रावी मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा शाहिमा रजी अल्लाह आए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने कहा कि आखिर रसूल मैं लड़ाई के लिए गजवे में जाने जा रहा हूं, गजवे में जाना दोस्तों अल्लाह के रसूल आपसे मशवरा लेने के लिए, अब बताइए भाई क्या करा। तो आपने क्या फरमाया, क्या तेरी माँ है, ओ जाहिमा तेरी माँ है, कौन सी माँ, बुढ़िया मुंह में दांत नहीं, हाथों में ताकत नहीं, ओ जाहिमा तेरी माँ जिंदा है या नहीं। जाहिमा ने कहा मेरी माँ जिंदा है, का गजवे में जाने का मकसद ये है कि जन्नत पा जाओ, रब राजी हो जाए, का ओ चाहे माँ जाओ जाओ लौट जाओ, गजवे में तुझे जाओ।
जिहाद में तुझे निकलना नहीं है, तुझे रब के रास्ते में जाना नहीं है, जन्नत की तलाश में हो, तेरी बुढ़िया माँ तेरे घर में है, खाने के लिए उसके पास अपनी सख्त नहीं तुझसे जिमा सके या जैसे भी हो। आपने फरमाया फल समा फाइनल जन्नत है। मेरी उम्मत के लोगों, अपनी बुढ़िया माँ को धक्का न देना, क्योंकि वो बुढ़िया माँ ऐसे मकाम रखती है, इतना उसका मकाम इस्लाम में रखा है। अगर तुझे जन्नत चाहिए, अल्लाह ने तेरे घर में जन्नत रख दी है। जाओ जाहे माँ, जाओ लौट जाओ, बुढ़िया माँ की खिदमत करो, पाँव में तेल मालिश करो, कपड़े साफ करो, खाना खिलाओ, उनकी खिदमत करो। बूढ़ी हो जाए आया तो अल्लाह ने क्या कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से क्या कहा कि बूढ़िया औरत के पांव के नीचे जन्नत, अगर जन्नत जाना है तो माँ की खिदमत, और अगर तुम्हारे घर घर की माँ है तो उन्हें धिक्कार दिया, जन्नत को तुम बाहर कर, जन्नत को बाहर किया है, कुछ नहीं खिला सकता, उनकी दुआएं लो, माँ की दुआ रद्द नहीं जाती। बुढ़िया माँ थर थराते हाथ को उठाएगी और रब से कहेगी मेरे मौला मेरा बच्चा गरीब है, अल्लाह मुसीबत में है, अल्लाह से मुसीबत डाल दे, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत का। और वो हदीस भी है बुखारी, हदीस नंबर 5974, हदीस सार के है, क्या है, तीन आदमी जो फंसे थे हदीस के नाम इब्न उमर रजी अल्लाह तआला, एक ने कहा था अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से दुआ की, या मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं आकर के बकरियां चराने चला जाता था, शाम को आता दूधा पहले माँ बाप को पिलाता, एक दिन दूर चला गया, देर से आया दूध दुहा, उसके बाद घर में आया, माँ बाप सोच के थे मेरे बच्चे पिला पिला करके रो रहे थे, लेकिन उनको पिलाया नहीं, पहले मैंने माँ बाप को पिलाना मुनासिब समझा लेकिन उनको जगाना भी मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह रात भर खड़ा रहा, बच्चे पिला पिला करके रो रहे थे भूख की वजह से, लेकिन उनको नहीं पिलाया, जब माँ बाप जाके पहले उनको पिलाया। अगर ये काम मैंने तेरी रिजा के खातिर किया है मेरे मौला, तो उसी नेकी को तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ मौला, ये चट्टान जो आ गई है इसको हटा दे, रास्ता दे दे मेरे मौला, मैं जाना चाहता बाहर निकलना चाहता। माँ बाप खिदमत को सामने रख के दुआ दी तो अल्लाह ने चट्टा घटा, और अगर माँ बाप को तब क्या गौर की, तो कहना ये औरत जब बच्ची होती है तो उसकी फजीलत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, माँ कहते हैं बीवी बनती है सबसे ज्यादा कीमती चीज वो औरत है, इस्लाम में माँ बनती है तो उनके कदमों के नीचे जन्नत रखती है। मरियम से सीखो दामनी किसे कहते हैं, मरियम से सीखो पर्दा किसे कहते हैं, आसमान से फरिश्ता आता है, दरवाजे से इंसानी शक्ल में दाखिल होता है, मरियम क्या कहती है, قال اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا, कहे आने वाले आदमी मैं रहमान से मना चाह रही हूँ, अल्लाह से मुझे बचाए रखे, कैसे किया गया, अल्लाह के खौफ तो फरिश्ते ने उस वक्त क्या कहा कि तुम्हारे पेट से बच्चा पैदा होने वाला, उस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज के अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया सूरह मरियम आयत नंबर 20 का, कहा गुलाम वलम यमसस्नी बशर वलम अकबरिया, आसमान से आने वाले फरिश्ता मुझे नहीं मालूम तू फरिश्ता है, लेकिन तूने बताया इंसानी शक्ल में था, मेरे समझ में नहीं आए, लेकिन जब तू बता रहा है और तूने कहा, तू कह रहा है कि मेरे पेट से बच्चा पैदा होगा, मरियम ने कहा वो आने वाला आदमी अन्ना यकून ली गुलाम, मेरे बच्चे कैसे होंगे, लम लम ससनी बशर,
किसी इंसान ने मुझे टच नहीं किया, इसके औरतों को इस पे क्या महिमा ने क्या कहा, किसी इंसान ने मुझे टच नहीं किया, छुआ नहीं। जब किसी इंसान से मैं मिले नहीं हूं तो बच्चा कैसे पैदा होगा। कितना पाक दामन थी, अल्फाज पे गौर कीजिए, मरियम कह रही है वलम लम जस्मी बशर, किसी इंसान ने मुझे टच नहीं किया। राज की औरतें अपने हाथ खैर के हाथ में देकर के भाग रही है, बाबा बेचारे को घर से निकलने की मुश्किल हो गए। कौन सी तू औरत है, कौन सी बेटी है, अपने गरीब बाप का ख्याल ना किया, तेरी परवरिश हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जात घटिया हो गई, गैरों के साथ भागती नजर आती है। तुम्हें तो होने चाहिए ऐसी, अगर कोई अपना भी अगर गुनाह की दावत दे तो वही हदीस, हदीस नंबर 5974, एक औरत एक लड़की बताती है, चचा साहब भाई ने जो उसको भड़क लाया था पैसा लेकर के, या मजबूरी थी पैसा मांगने गई, उस मौके उसने दावत दी गुनाह के, तो मेरे साथ गलत करोगे तभी पैसा देंगे, ये कह रहे पैसा लिया। फिर वक्त पर वो पहुंची, हदीस के अल्फाज है, वहां भी बोलता है कि मैं इस औरत के करीब चला गया और उसके दो टांगों के बीच में था कि अब ज़िना करना ही था। उस वक्त उस लड़की ने कहा, क्या कहा, उस लड़की ने कहा यही जुमला आज की औरतों को सोचना चाहिए, मजबूरी में भी वो थर आ रही थी। उस लड़की ने कहा इत्तकला या अल्लाह इत्तकला, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरो, मेरी शर्मगाह को कुवारे हराम मत करो, किसी ने टच न किया, मेरी मजबूरी ये दिल ले आए हैं, मेरी मजबूरी की वजह से आज सामना करना पड़ रहा है, अगर मुझसे मिलना है तो शादी कर लो, मैं हाजिर कर देती हूँ अपने आप। और उनके उस डराने की वजह से, अल्लाह के खौफ दिलाने की वजह से वो लड़का गुनाह से तौबा करके वहां से उठ गया, पैसा दे दिया, और उसकी वजह से अल्लाह ने हाथ से उसको निजात दिया था। तो औरत रात जो हो गुनाह से खुद नहीं दूसरों को भी रोकना चाहिए। मेरी माँ और बहनों, मेरी बहनों, तुम अपने आप के मकाम को समझो, इस्लाम ने ये मकाम रखा है, चली जा रहे दूसरी तरफ। मुख्तसर से तकरीर जो की हमारा टाइम खत्म हुआ, अब हम ये दुआ करते हुए जा रहे हैं कि यहाँ के नौजवानों ने अगर इस तरह इजलास रचाया है, पैगाम दिलाना चाहते हैं, गाँव गाँव को संभाला जाए, औरतों को उसको बताया जाए कि मकाम क्या है। ये बात अभी हमने रखी है, अभी कई बात आएंगे, उनको भी तो मिला है और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इस्लाम ने अगर ये मकाम किया है मेरी माँ और बहनों, इनकी चीज है, अपने आप को जाहिर मत कीजिए, शरीर और रुस्वा मत कीजिए, सेना करवा करके गैरों के साथ खड़ा करके अपने माँ अपने बाप अपने भाई अपने चचा अपने रिश्तेदार के मुंह को काला मत करवाइए, शरीर मत कीजिए, उनको समझिए, घर में रहिए, अल्लाह की मदद आएगी इंशाल्लाह, आपकी शादी होगी, घर भी बसेगा और तुम सब्र करने वाली हो, नज़ूल करेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं हमें दे दे के इज्जत करने के मकाम को समझने की तौफीक अता फरमा, जो शादी का मौका आए तो उन बच्चियों को बिना किए उनसे बिना दहेज के अल्लाह हमें उनके हाथ पीले करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह जिनकी बीवियां हैं उन बीवियों के बारे में दुआ करते हैं, अल्लाह बीवियों को औरतों को तुम नेक बना दे मौला, वो शौहर की खिदमत करे, घर के देख रेख करे, घर की जिम्मेदारी को संभाले, और अल्लाह जिनके घरों में माएं हैं अल्लाह उनकी खिदमत करने का तौफीक अता फरमा, और जो बुढ़िया माँ है उनसे मैं ये कहूंगा कि मेरी माँ आपके बच्चे हैं, अगर कभी गलती उनसे हो जाए तो बद्दुआ मत कीजिएगा, आप दुआएं कीजिए अल्लाह मेरे बच्चे को दीन की समझ दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी से किनार फरमा, तो आपकी दुआ कबूल होगी, इसलिए माओ माओ से कहूंगा अपने बच्चों के लिए दुआ करें।
से दुआ यही है कि अल्लाह इस जलसे से जो पैगाम हदीस की रोशनी में जा रहे हैं अल्लाह उसमें हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह यहाँ के नौजवान होंगे यहाँ के बुजुर्गों माओ बहनों बच्चों ने सब मिल करके खुशियाँ इस तरह लाई है दीन के प्रोग्राम करके अल्लाह के इस दीनी प्रोग्राम को कबूल फरमा ले और अल्लाह की दुनिया और आखिरत में अल्लाह भलाई अता फरमा और अल्लाह इन्हें जहन्नम की आग से बचा कर जन्नत के फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। अल्लाहु रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।